मैं महिला कांस्टेबल पूजा 309 कादरशोर थाना जनपद बदायूं में तैनात हूँ। इस समय मैं मानसिक रूप से बहुत घबराई हुई हूँ। हमारे एसओ सर हमसे गलत व्यवहार करते हैं और उल्टे सीधे काम कहते हैं करने के लिए जो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा गैरहाजिरी तस्करा और रपट लिखवाया जाता है जबकि ड्यूटी हम लोग पूरा करते हैं। और एक महिला कांस्टेबल मोहिनी वर्मा सीतापुर की है। इसको 15 तारीख को सुबह 7 बजे बिना रवानी के बिना अनुमति के भेजे थे घर। उसके बाद 17 तारीख को 2:30 बजे आई रात में, दरवाजा खोल ले, देखी हाथों हाथों के चोट के निशान, पूछे मोहिनी क्या हुआ है, तो बोली मेरे मामले में टांग मत उड़ाओ वरना तीनों को बता दूंगी। हम लोग ऐसे सर से कहें सर ऐसे ऐसे बोल रही है, पूछे बहुत घबराई हुई है, बस रोए जा रही है। तो ऐसे सर कहे अरे कुछ नहीं, उसका मैटर है और तुम सब पूछो मत उससे, वो भी बहुत घबराई हुई है। तो हम लोगों ने कहा सर यदि इसने घबराई हुई है कुछ कर ली तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे सर ने गाली देकर डांट के भगा दिया कि जाओ कुछ नहीं करेगी वो। और सुबह 8 बजे से रात शाम को 3 बजे तक रोज मीटिंग बैठ रही है ऐसे सर की और मोहिनी वर्मा की, पता नहीं क्या बात हुई है ऐसी। और रपट लिखाया गया एक अनुज नाम के लड़के पर, तस्कर डलवाया गया था 18 तारीख को कि दहेज के लिए, कि लड़का शादी का दबाव बना रहा है हम पर और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद ही पता चला कि उस लड़के का सुसाइड हो गया है और ये बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। इस हालत में वो कुछ भी कर सकती है, हम लोग एक ही आवाज़ में रह रहे हैं। और हम लोग कप्तान सर से ऐसे सर से बात की, वो कुछ नहीं कहे, तो हम कहे कप्तान सर से हमें मिलना है, मिलने भी नहीं दिया जा रहा। कल गया तो वहाँ के पी आर ओ हम लोगों को भगा दिया और फिर यहाँ आए तो ऐसे सर बहुत बदसलूकी किए, गए थे मुझे जाकर देशों ने क्या हुआ हो गए। तुम सबकी औकात है ऐसी कप्तान के सामने पेश होने का, बेहया बदतमीज लड़कियाँ कहना नहीं मानती हो तुम सब।